नमस्कार दोस्तों दोस्तों अभी खबर आ रही है जो नेक्सा एरोग्रीन कंपनी है उसके एजेंट बोल रहे हैं कि नेक्सा एरोग्रीन कंपनी है वो कहीं नहीं भागी है, आपके पैसे हैं वो लौटाएगी और आगे भी काम करेगी। तो दोस्तों मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ कि जो इस कंपनी के ओनर है, एमडी है, राजवीर जी और सुभाष जी, वो लाइव आकर लोगों को क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? यदि ये कंपनी भागी नहीं है तो वो भी सामने आए, लोगों को कहे कि हम आपके पैसे वापस लौटाएंगे। दोस्तों ये एक जाल रचा जा रहा है ताकि जो ये मुद्दा उठ रहा है इसे दोस्तों दबा दिया जाए, कुछ दिनों के लिए शांत कर दिया जाए ताकि लोगों का ध्यान इससे हट जाए। दोस्तों यही है, यदि वो दोस्तों एजेंट है जो वीडियो बना रहे हैं कि नेक्सा कंपनी कहीं नहीं भागी है, और दोस्तों अपनी अपनी ऑफिस छोड़कर वहाँ एक साथ इकट्ठा क्यों हो रखे हैं? और दोस्तों मैं थोड़ी देर में जो यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है नेक्सा कंपनी का वहाँ पर जाना वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि उनका ऑफिस खुला है या नहीं है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग कह रहे हैं कि धोनेरा कंपनी भागी नहीं है, देख सकते हो आप जो एजेंट है उनकी ऑफिस है वो बंद पड़ी है। दोस्तों ये ऑफिस बंद क्यों है यदि भागी नहीं है तो? तो दोस्तों अभी मैं जाके आया हूँ नेक्सा एरोग्रीन कंपनी का जो यहाँ पर ऑफिस बना है वहाँ पे, दोस्तों ऑफिस बंद पड़ा है, सेंटर डाउन पड़े हैं। तो दोस्तों एजेंट है वो यहाँ पर होने चाहिए यदि कंपनी भागी नहीं है। दोस्तों हमने तो एजेंट के कहने से ही इस कंपनी के अंदर पैसे हैं वो इन्वेस्ट किए थे, तो जब यहाँ पर एजेंट आएंगे और इस कंपनी के जो एमडी है सुभाष जी और राजवीर जी वो सामने आएंगे, वो लोगों को आकर कहेंगे कि कंपनी नहीं भागी है और इसकी जो वेबसाइट है उस पर दोस्तों आईडी है वो लॉगिन नहीं हो रही है, वेबसाइट यदि फिर से चालू होगी तब दोस्तों लोगों को विश्वास होगा कि कंपनी नहीं भागी है सच में। दोस्तों मेरे हिसाब से तो यही जाल रचा जा रहा है कि जो ये आवाज़ उठ रही है इसे दबा दिया जाए, इसे एक बार शांत कर दिया जाए ताकि ये मामला है और दोस्तों ठंडे बस्ते में चला जाए। तो दोस्तों आपको सबको एक साथ मिलकर जो ये मामला उठा है उसे दोस्तों डाउन नहीं होने देना है, आवाज़ उठाते रहना है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी यदि भागी नहीं होती तो दोस्तों इस तरह से सभी ऑफिस एक साथ बंद करके सभी लोग दोस्तों अंडरग्राउंड नहीं होते, और दोस्तों वो वहाँ पर जाकर वीडियो बना रहे हैं एजेंट, उन्हें दोस्तों अपनी अपनी ऑफिस में होना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था यदि कंपनी नहीं भागी होती। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है।